पी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2020 के एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। ये बेस्ड है 2019 में जो पेपर हुआ था उस पर। और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 17 जनवरी 2021 को बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज 2020 शेड्यूल्ड है और उसके विद इन 1 or 2 months मेंस एग्जामिनेशन भी शुरू होने की संभावना है। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिफोर हैंड वी शुड नो दैट व्हाट सब्जेक्ट हैज़ व्हाट वेटेज इन द एग्जामिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये 100 MCQs का है। हर क्वेश्चन जो है वो 3 marks के होंगे और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ एज सच एडवर्टाइजमेंट में दे नहीं रखा है, लेकिन 10 times जो सीट है उसके मेंस में लोगों को बुलाया जाएगा तो वो कट ऑफ फिक्स नहीं है, वो वेरी करेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने मार्क्स तो नहीं, कितने क्वेश्चन से लोकेटेड हैं। और जितने क्वेश्चन हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क्स भी आ जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 2019 में प्री में 10 questions पूछे गए थे। CPC से 6 questions, बहुत कम वेटेज दिया गया। लिमिटेशन एक्ट से 3 questions पूछे गए। CRPC से 5 questions पूछे गए। एविडेंस एक्ट 5। TPA इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था प्री में, लेकिन मेंस में इससे 10 marks का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके कॉन्ट्रास्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट से प्रिलिमिनरी में क्वेश्चंस थे पर मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 5 questions, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 5 questions, इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 5 questions, पार्टनरशिप एक्ट से 3 questions, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 3 questions, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट को अच्छा वेटेज दिया, 5 questions एज कम्पेयर टू अदर। पर्सनल लॉज, इसमें आप जो हिंदू लॉज है इसमें आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 3 आते हैं। इसके बाद मुस्लिम लॉ है और क्रिश्चियन लॉ। इसके अलावा यहाँ स्पेसिफाई नहीं है लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी सवाल पूछे गए थे लास्ट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद इंडियन पेनल कोड से 5 questions पूछे गए थे। अब ये हुए लॉ के। लॉ से टोटल 70 questions पूछे गए थे। इसके बाद 10 questions इंग्लिश लैंग्वेज के थे, 10 questions जनरल नॉलेज से थे और 10 questions आपके कंप्यूटर नॉलेज से थे। तो अगर आप MP जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज वहाँ भी सेम मार्क्स के हैं। अब आइए देखते हैं कि मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाता है। तो अगर 2019 का देखेंगे तो उसके पहले आप एक जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि मेंस में जो है वो कितने पेपर होंगे और किस पेपर में कितने सब्जेक्ट होंगे ये बाद में डिसाइड होगा, ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब उस सब्जेक्ट्स के अलावा और कहीं से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट खुद में वास्ट है तो ध्यान दीजिएगा। तो पेपर 1 इसमें पहले है लिमिटेशन एक्ट, इससे 8 marks के सवाल पूछे गए थे। आप हमारे इस चैनल में जो वीडियोज अवेलेबल हैं उस पर आप जाएंगे तो एक मैंने डील किया है लीगल डिसेबिलिटी पे। ये लीगल डिसेबिलिटी जो है एक सवाल आया था MP हायर जुडिशियल सर्विसेज 2018 या 19 का है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने उस क्वेश्चन को डील किया है, मींस वो पूरा जो लेक्चर है वो उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप उसे देखें, मेरे ख्याल से वो इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग को पसंद आएगा। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट को बहुत वेटेज दिया गया था, 21 marks के सवाल पूछे गए थे।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 मार्क्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 12 मार्क्स। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स माने जाते हैं सेक्शन 5, 6 और 12, ये तीनों सेक्शंस पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा और बहुत ही कंप्रेहेंसिव डील किया गया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो भी है, ओवरव्यू की तरह है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए ही नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी काम आएगा। अगला सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इससे एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे मेंस में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस एक्ट ऑल्सो। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 10 मार्क्स दिए गए थे, अच्छा खासा वेटेज मिला है, लिमिटेशन एक्ट से भी ज़्यादा। इंडियन पिनल कोड, इससे 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इससे 9 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इससे 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। और आप मेरे चैनल पे SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे वीडियो पे मिलेगा, मैंने बहुत ही कंप्रिहेंसिवली डील किया है, आप उसे ज़रूर देखें, ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होगा। इसके बाद सेकेंड पेपर देखते हैं। सेकेंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 12 मार्क्स के पूछे गए थे, CPC 18 मार्क्स, CRPC 16 मार्क्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से प्रिलिमिनरी में कोई भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट से 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। पर्सनल लॉ, इसमें आपको हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लॉ, हिंदू मुस्लिम में क्या पूछा जाएगा मैंने बताया पिछले स्लाइड में। इसके बाद फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उससे 6 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 10 मार्क्स के सवाल पूछे गए थे। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वेटेज जो प्रिलिमिनरी में था वो बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा है, मतलब 10% का वेटेज है, वहाँ पे 3% का वेटेज था। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ये 6 मार्क्स के हैं। अगर आप पूरे सिलेबस को देखें तो इसमें आपको कुछ एक्ट ऐसे मिलेंगे जैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इसके बाद जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था SC and ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब जो एक्ट हैं इसका जो इसके अंतर्गत जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनता है उसका जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज होता है, राइट। तो इसलिए इन एक्ट्स को इसमें शामिल किया गया है, स्पेशली इन एक्ट को शामिल किया गया है। ये सिविल जज एग्जामिनेशन में रेयरली कहीं पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट सम स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ SC and ST एक्ट, सॉरी छत्तीसगढ़ सिविल जज के लोअर जुडिशरी में सिर्फ जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है, उसमें मेंस में लॉ पेपर नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह से, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप CRPC और CPC पे फोकस करेंगे तो CRPC में जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा यानी सेशंस ट्रायल के जो जजमेंट ये प्रोविजंस हैं और फिर जो अपील हैं उस पर आप लोग विशेष फोकस रखिएगा। ऐसा आपको तो पूरा एक्ट ही पढ़ना है, लेकिन उन पोर्शन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो कोर्ट ऑफ सेशन के प्रीव्यू में आता है। CPC में भी वैसे ही जो डिस्ट्रिक्ट जज के प्रीव्यू में आते हैं जैसे अपील वगैरह, वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्री में कितने वेटेज किस सब्जेक्ट को दिए गए और मेंस में किस सब्जेक्ट को कितने वेटेज दिए गए। तो आई होप कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो बिहार हायर जुडिशियरी एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम फेस करने जा रहे हैं, और उन्हें भी सहूलियत होगी जो पहले दे चुके हैं इस एग्ज़ाम को, और एक आपको पैटर्न समझने में आसानी होगी। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको पसंद आया तो किस वजह से, नहीं पसंद आया तो आप हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सजेशन दें। थैंक यू वेरी मच।